हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है जो कि कॉम्बो में होने वाला है। आप लोगों को पता चल ही जाएगा आगे में। और वैसे तो मुझे उतना नॉलेज वगैरह है नहीं, लेकिन जो मेरे साथ जा रहे हैं उनको अच्छे से नॉलेज है, तो वो हेल्प करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना, ये जो मैंने शॉपिंग करा था, तो ये मैंने ग्लासेस लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना ये ग्लासेस मेरे पे कैसा लग रहा है। और मैंने ये जो शॉपिंग करा था, जो ट्रैक सूट मैंने लिया था, यही मैं पहन के एक्चुअली मैं जाने वाली हूँ। और पैकिंग वगैरह तो मेरा डन हो चुका है, अब टाइम हो चुका है जाने का। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। और जैसे देख सकते हो, ये टीका जो ट्रैवल के बाद, जैसे बाहर कहीं हम लोग के घर में कहीं बाहर कोई जाता है तो टीका वगैरह और शक्कर और दही शक्कर खा के निकलते हैं, तो वो तो बाद में करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो मेरा अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। और अभी मैं वेट कर रही हूँ, उन्हें कहा था कि 6 बजे तक रेडी हो जाना, तो वही मैं वेट कर रही हूँ। आ जाता है तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को डायरेक्ट मैं एयरपोर्ट से कंटिन्यू करूँगी, तो तब तक लेट्स स्टे ट्यून गाइस। सो फाइनली अब टाइम हो चुका है घर को बाय बाय करने का कुछ दिनों के लिए। और मेरा कैब आ चुका है नीचे, तो चलिए नीचे चलते हैं। और मेरा ये बैग, तो चलिए फटाफट नीचे चलते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं वीडियो को डायरेक्ट नीचे से कंटिन्यू करती हूँ। वैसे बोला जाए तो रात नाइट में कोलकाता का व्यू कुछ अलग ही देखने को मिलता है। और वैसे नाइट तो की मैं बात करूँ तो वैसे अभी इवनिंग का टाइम है, 6:30 बज रहा होगा। और वैसे संडे का टाइम है बोला जाए तो संडे को वैसे ही रास्ता खाली खाली सा रहता है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे क्राउड जैसा दिख रहा है। और ये डॉगी कैब में बैठा हुआ था, बहुत ही क्यूट लग रहा था भैया का, जो मतलब तो शोपीस जैसा ही था लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा था। और नाइट का भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही कमाल का लग रहा है हमारा कोलकाता। तो बातों बातों में हम एयरपोर्ट बस थोड़ी देर पहुँचने ही वाले हैं। तो जैसा कि देख सकते हो एयरपोर्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। और तो बाकी की बातें हम सिक्योरिटी चेकअप वगैरह हो जाता है तभी करेंगे, इमिग्रेशन वगैरह हो जाती है। इमिग्रेशन के लिए शायद टाइम होगा, सिक्योरिटी चेकअप तो यहीं करना होगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूं। फाइनली अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और जिसके साथ है उनसे भी मिलवाएंगे आप लोगों। फिलहाल मुझे लग गया था बहुत तेज भूख, और अभी बोर्डिंग के लिए 9:25 बहुत इनफ टाइम है, 1.5 घंटा भी टाइम है। तो सोच रहे कुछ खा लेते हैं उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत तेज भूख लगा तो मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से वीडियो को कंटिन्यू। तो ये मैंने सैंडविच ले लिया और ये कॉफ़ी, ये मसाला चाय था ना, ये मसाला चाय और ये कुछ स्पिनच कॉर्न सैंडविच। नहीं तुम कर रहे करो। अच्छा, मैंने वहाँ का पेमेंट किया मैडम, यहाँ का पेमेंट। हाँ देख लो, अभी जैसे ही मैं एयरपोर्ट में आया रणवीर कपूर भी आया हुआ है। रणवीर है ना, रणवीर सर। हाय हेलो करने से मैंने रिस्पॉन्ड। ओ भाई साहब, इससे पहले रणवीर कपूर, रणवीर कपूर सुन रही थी दमदम एयरपोर्ट पर रणवीर कपूर। ओ भाई, ओ भाई। फाइनली बैग चेकिंग वगैरह हो चुका है, अभी इमिग्रेशन का टाइम है, तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। वैसे मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं जैसा जो होता है आप लोग शेयर करेंगे। तो तब तक फाइनली हम लोग का इमिग्रेशन वगैरह हो चुका है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि बस इंडोनेशिया जा रहे हो। बट थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं और क्या क्या पूछेंगे, बट अच्छे से ही हो गया। और आगे दिखाते हैं मैं किसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ, कौन कौन मेरे साथ है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो ये मैंने डोसा लिया हम लोगों ने, और आते ही खाना स्टार्ट कर दिया है, इतना भूख लगा है। तो खा लिया, मेरे कोई बताया नहीं, तो चलिए फटाफट फिनिश करते उसके बाद में। वैसे तो ये डोसे का प्राइस 300 है, बट बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में। ये Italy.com यहीं से हम लोगों ने बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा है। सब मिलता नहीं एयरपोर्ट में, एक्चुअली खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक्सपेंसिव के साथ साथ ये टेस्टी भी है। और मैंने अपने लिए उत्तपम ऑर्डर किया है, आ रहा है तो वो भी टेस्ट बता देंगे कैसा है। तो चलिए फटाफट फिनिश करते हैं। पहले हम लोग का खाना वगैरह हो चुका है और ऐसे फ्लाइट अभी आधा घंटा डिले हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को फाइनली बता ही देते हैं कि मैं एक्चुअली में इनके साथ ट्रैवल कर रही हूँ, और
जितना सारा प्रोसीजर था तो मैं, मुझे तो उतना पता नहीं है, तो मैं बता देती हूँ और वो भी बता देंगे आप लोगों को क्या क्या प्रोसीजर किस तरीके से, शॉर्ट में ही समझा देंगे आप लोगों को। तो चलिए मैं करती हूँ। तो इनके साथ मैं ट्रैवल कर रही हूँ, साथ में नाम बताने का ज़रूरत वैसे नहीं है तुमको, वैसे तुमको बहुत लोग जानते हैं। मेहनत कर रहा हूँ बहुत, बार बार घूमता रहता हूँ। डोंट नीड टू से लाइक दिस। मम्मी भी है साथ में गाइस। हाँ, मम्मी भी है। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल करूँ तो कैसे क्या प्रोसीजर है? बहुत बार ट्रैवल किया हूँ वैसे। हाँ, तो इंटरनेशनल ट्रिप तो फर्स्ट टाइम है ना, ट्रिप साथ में हो रहा तो क्या क्या प्रोसीजर वगैरह करना पड़ा थोड़ा बता दो। वैसे तो मुझे तो कुछ पता, वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। यहाँ पे जो सीन है ना, वीज़ा ऑन अराइवल है तो वीज़ा का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आने से पहले आपको बहुत सब चीज़ का ध्यान रखना है। पहले तो आपको जाने और आने का फ्लाइट टिकट चाहिए, फिर वहाँ पे होटल बुकिंग आपको रखना होगा ऑलरेडी, क्योंकि हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, हो सकता है मतलब वहाँ के इमिग्रेशन में या फिर वहाँ पे पूछ दे, इसलिए आप बुकिंग यहीं से बना के जाओ। डमी टिकट का भी बहुत सारा ऑप्शन होता है, तो मैं एकदम शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। शॉर्ट में बताने से अपने साथ कुछ डॉलर्स कैरी कर लो, क्योंकि जब आप वीज़ा वगैरह करोगे ना, मतलब यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, जब आप बाली लैंड करोगे तो वहाँ पे एक होता है वीज़ा का प्रोसेस वगैरह सब होता है, तो आपको $30 या $35 पर पर्सन देना पड़ता है, जो कि मैं बाली पहुँच के तुम दिखा देना बाली पहुँच के क्या सीन है, तो देना पड़ता है, इसलिए वो कैश में ही लेते हैं, वो मतलब ऑनलाइन पेमेंट या फिर UPI कार्ड वगैरह कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप डॉलर कैरी करना या फिर आपका, या फिर अगर आपके पास IDR है जो कि इंडोनेशियन रुपया होता है, अगर आपके पास वो है तो उससे भी काम हो जाएगा। तो हम लोग, तुमने तो डॉलर वगैरह कैरी किया है ना? मैं तो डॉलर भी कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, तो आप भी कर सकते हो $400-500। वैसे वहाँ पे मतलब खर्चा बहुत कम है। फिर सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे मैं बता देता हूँ, अगर आप जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले अपने फ़ोन में एक ऐप होता है ना, जैसे हमारे पास है आरोग्य सेतु ऐप इंडिया में, वहाँ का भी एक ऐप है, तुम डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तुमने एक्चुअली इसी ने मेरे मोबाइल में भी इंस्टॉल किया है, मुझे तो ऐसा पता नहीं। आपको इंस्टॉल कर लेना है, मतलब आपको गैर मतलब एक्सेस दे देना है सभी चीज़ का, तो और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप अपना टिकट कैरी करोगे, कुछ डॉलर्स कैरी कर लो, बस अभी तक तो सिंपल यही है और इसके बाद से ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी ऑन द वे अभी जो भी कुछ ऐसा रहता है तो मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या सीन है क्या क्या नहीं है। और बाकी एक और बात है, बाली का इंडिया से अपना डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट नहीं है, तो आप जब भी बाली का सोच रहे हो तो थोड़ा फ्लाइट काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि या तो आप वाया बैंकॉक जाओगे, वाया कुआलालंपुर जाओगे, तो देख लेना आपको। मम्मी को नींद आ रहा है, नींद आ रहा है आपको? थक गए ना? तो चल के आना पड़ता है ना, और ये आराम से मजे में मम्मी के लिए पॉपकॉर्न लिया था, खुद ही बैठ बैठ के खा रहे। बदनाम क्या कर रहे हो, मम्मी नहीं खाएगी इसके लिए। खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो खाना तो फाइनली हमारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है फॉर मलेशिया, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। और ये कोलकाता कुछ दिनों के लिए, मुझे कोलकाता को बाय बाय करना है, उसके बाद हम घर ही आएंगे। और जस्ट कोलकाता का व्यू देख लो आप, मतलब पता नहीं आप लोगों को मेरा आवाज़ आ रहा हो कि नहीं, और उनको बहुत ज़्यादा शोर उबूल है। और नाइट व्यू तो मैं वैसे ही कोलकाता का बात कर ही रही थी, और ऊपर से भी एरियल व्यू आप लोग देख लो कोलकाता का, बस यही नज़ारा देखने को मिलेगा, आगे कुछ नज़ारा नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो मैं दिखाऊंगी, नहीं तो मॉर्निंग में ही आप लोगों को दिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग व्यूज़ थोड़ा एंजॉय कीजिए, और जैसा जो होता है आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड इस एरियल व्यू को आप लोग क्या बोलोगे, है ना, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा, क्योंकि मैं नाइट में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब नाइट के फ्लाइट में, जो कि अभी 1:30 या 2 बज रहा होगा, और व्यू आप लोग देख लो, लाइट हमारे कोलकाता का लाइट मस्त है ना। खाना मिला है हम लोग को, ये क्या है, सैनिट्रन रैप हनी, इसमें रोस्टेड चिकन, पता नहीं कैसा होगा। और ये पानी का बॉटल टिश्यू पेपर, और इनको मिला है ये सैंडविच
सैंडविच मिला एक, चिकन चिकन चीज सैंडविच मिला एक। तो ये रैप जैसे कि देख सकते हो आप लोग, जैसे देखने में सुबह सुबह लग रहा है, खाने में भी थोड़ा सा एक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मिला तो मैं सोचू तो एक दो बाइट ले लेते हैं, मटन जो इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो रात में सो गए थे, सुबह ये आगे बढ़ने के लिए सब लोग देख सकते हैं, इसके लिए तो कुछ बड़े ढंग के रिव्यू देखने की कोशिश करता। मैंने रिव्यू पढ़ा था, मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था अमेजिंग व्यूज सब देखने को मिल रहे थे, तो आप लोग कुछ शॉर्ट्स इन्जॉय करो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते। पहुंच चुके हैं, बस ये प्लेन लैंड करने वाला है। तो जैसा कि देख सकते हो व्यूज अभी से ही कमाल के मिल रहे हैं। फाइनली मैं मलेशिया लैंड कर चुकी हूँ, इसके बाद हमें एक और फ्लाइट लेना है जो कि बाली तक ले जाएगा। तो जैसा जो होता आप लोग के साथ बताएंगे, तब तक ले स्टे ट्यून गाइस। तो पहले फ्लाइट उतरने के बाद दूसरे फ्लाइट हम लोग को जाना है, तो फटाफट हम लोग को दूसरे फ्लाइट के लिए भागना है जो कि मलेशिया टू बाली का फ्लाइट है। तो यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह हो जाने के बाद डायरेक्ट हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, लाइन से सबको खड़े करा के रखा है, अगर कुछ क्लीनिंग वगैरह चल रही थी जिसकी वजह से। मेरा कितना फाइनली हम लोग अभी दूसरे फ्लाइट में बैठ चुके हैं, और उतरने के बाद इतना भागा दौड़ हुआ कि कम ऑन यू गाइस, दिस इज आवर एशिया फ्लाइट 2778 मलेशिया टू बाली। थोड़ा हेट्रिक मतलब थकावट जैसा, मतलब पूरा भागा भागी वाला सीन। यू गाइस दिस आर टॉप स्पीड विद यू, प्लीज रिमेन सीटेड एंड बैठ जाएंगे तभी आराम से शूट करेंगे। यू टेक ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज नॉट परमिटेड एट दिस टाइम। आगे की बात करेंगे ऐसे जो आप लोग बताएंगे। इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, थैंक यू। तो फाइनली हमारा मलेशिया से भी फ्लाइट टेक ऑफ हो चुका है फॉर बाली, और एयर एशिया का फ्लाइट था, और व्यू आप लोग देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग वाला व्यू है। काम करो आप लोग, कुछ शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं मिलती हूँ डायरेक्ट। फ्रेंड्स हम लोग फाइनली बाली पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा फ्लाइट लैंड भी कर रहा है, और व्यू तो देख सकते हो काफ़ी कमाल के हैं। पता नहीं आने वाले जो 5-6 दिन हैं यहीं पे बिताने हैं, तो चलिए आप लोग को भी दिखाएंगे, और मैं भी, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर, तो जैसा जो होगा आप लोगों को बताएँगे। तो हम लोग बाली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, और यहाँ से देख सकते हो हमारा, और व्यूज़ की मैं बात किया करूँ अभी से ही व्यूज़ ऐसा फॉरन फॉरन जैसा वाइब्स आना स्टार्ट हो चुका है। पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इतना पता है कि जो आने वाले 5-6 दिन है वो बेस्ट होने वाले हैं मेरे लाइफ के। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग को चलना होगा, और यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह भी करने के बाद हमें बैगेज क्लेम करना है, तो पहले इमिग्रेशन करेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन का जो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा ही मतलब नर्वस वाला चीज़ आ जाता है। पता नहीं यहाँ पे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, जैसा जो होगा आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पहले जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, और जैसा कि देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही वॉकिंग हो रही है, जिसकी वजह से मम्मी को थोड़ा दिक्कत हो रहा था चलने में, और एयरपोर्ट का कुछ ऐसा नज़ारा है क्या कहें, हमारा कोलकाता तो सब जगह से पीछे रहता है यार।
फॉरेन का एयरपोर्ट देख सकते हो आप लोग, बाली का। तो फाइनली हम लोग का इमिग्रेशन वगैरह हो चुका था अच्छे से, जो कि हमें 30 दिन तक का वीज़ा मिल गया था, रहना तो हमें 6-7 दिन ही था, तो ये बढ़िया था। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को यहीं एंड करते। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो डू लाइक डू शेयर डू सब्सक्राइब टू माई